वट फेस वॉडी एंड लुक एट इज फिजी जन जो मतलब ऑट वरी गुत जम बचे मन के सो हमें आगे जाके देंगे बच्चे अच्छे अच्छे वह अक असल रिजल्ट दिन सज सज क्या जो थोत Kind of नहीं। ना डबल उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे और मजे में होंगे तो आज का ब्लॉग जो स्टार्ट करते हैं सो मैंने रिसेंटली ना एक बंदे का एक कमेंट पढ़ा एंड आई स्वेर अल्लाह दैट कमेंट मेक्स माई डे और सुबह सुबह वैसा कमेंट मिला अलहमदुल्ला मैंने उसको रिप्लाई भी किया कि दिस इज़ द बेस्टेस्ट कमेंट आई हैव एवर रिसीव्ड तो कमेंट ये था कि उसने लिखा था नून चाय और आपका ब्लॉग सुबह सुबह ओहो मज़ भला तो बहुत ही जो है वो ज़बरदस्त कमेंट था और इसने जो है वो मेरा दिन बना दिया बस ऐसे ही प्यार देते रहें आप लोग सपोर्ट करते रहें इन जो है वो आप तक जो है वो अच्छा अच्छे अच्छे वीडियोस पहुंचाता रहूँगा शी फार्मिंग के रिगार्डिंग नेचर के रिगार्डिंग जैसे मेरा एक ही जो है कंटेंट है वो मैं शी फार्मिंग कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि हर किसी का अपना अपना होता है अपना अपना कंटेंट होता है मुझे बेस्ट लगा शी फार्मिंग का कंटेंट मुझे पसंद है मैं नेचर में जो है वो रहना पसंद करता हूँ नेचर में बैठना पसंद करता हूँ दैट्स वॉई कि मैंने शिव फार्मिंग के रिगार्डिंग जो है वो कंटेंट बनाया क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है और इससे एक और फ़ायदा हुआ वो ये है कि लोगों ने जो है वो मेरे वीडियोस देख के वो मोटिवेट हुए हैं एंड दे गेट नॉलेज आल्सो उन्होंने फिर जो है वो बिज़नेस किया मतलब शी फार्मिंग का वो कहते हैं ना कि कुछ करना ना अगर होता है तो पहले ना बेस्ट प्लानिंग जो है वो प्रॉपर प्लानिंग चाहिए जब हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग प्रॉपर गाइडिंग थी ही नहीं हम क्या करें तो जब लोगों ने जो है वो देखा भाई लड़का है यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा है शीप फार्मिंग के रिगार्डिंग शीप फार्मिंग बिजनेस जो है वो समझा रहा है तो बहुत सारों को जो है वो आ, मतलब आ, एक बूस्ट मिला तो उन्होंने जो है वो फिर ये बिज़नेस स्टार्ट किया और अलहमदिल्ला दे अर्न वेल और मैं खुद की बात करूँ माशा मैं भी अच्छा खासा कमा रहा हूँ जैसे कि मैं आपको बोलूं कि जो मेरे फार्म पे बंदा है उसकी पंद्रह हज़ार रुपये सैलरी है और अगर मुझे शीप फार्म से कोई फ़ायदा रिसीव ना होता फ़ायदा ना होता तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है मैं बंदे को पंद्रह हज़ार रुपये हर महीना क्यों दूँ दैट मीन्स कि मैं एक साल में एक लाख अस्सी हज़ार रुपये जो है वो सैलरी देता हूँ जो मेरा शी फार्म अभी संभाल रहा है तो उसका मतलब ये भी है कि इस फार्म में जो है इस शी फार्मिंग बिजनेस में जो है वो प्रॉफिट अच्छा खासा है और उसके बाद अगर मैं खर्चा बोलूँ तो वो भी जो है वो देखना पड़ता है और ओवरऑल मैं ये कह दूँ कि अगर इंसान अच्छे से चले ना मतलब प्रॉपर प्लानिंग के साथ तो इंसान जो है वो ईजीली प्रॉफिट तीन चार लाख रुपए दो तीन चार लाख रुपए जो है वो एक एक साल में जो है वो होता है उसको वो तो अगर अपना बिजनेस हो और ये प्रॉफिट हो कम है क्या और हमें जो है वो अगर बड़े पैमाने पे करना है तो और ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा बा काहे रहा हो अरे कहा हो गया डर डर काहे रहा हो पोलो ब्रीडर है कहाना चु तीन कथ दोल तो कहीं वो चुन वाइट फेस वेल मेनटेन बॉडी एंड लुक एट हिज फिजिक जन चु मतलब ऑट वरी गुट जिम तम और ये है जो है वो इनके बच्चे मन के सच्चे जो हमें आगे जाके देंगे बच्चे अच्छे अच्छे दिस लुक एट दिस दैट्स वाई आई एम गोइंग फॉर पोल मैरिनो भाई बहुत ज़बरदस्त जो है वो ब्रीड है कसम से कह रहा हूँ क्योंकि जो है वो ऑस्ट्रेलिया में जो है वो सबसे ज़्यादा ब्रीड जो है पोल मैरिनो पाई जाती है ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है वेल मेन्टेनड है फिजीक इनकी जो है वो ऐसी होती है जैसे ये जिम जाते हैं आप देखिए है. अभी ये भी है पोल मेरिनो वो भी है हॉर्नट वाला और ये है हमारा जो जिसने जो है वो जो इनका बाप है सबका ये है बाप इनका ये है बाप इनका और वो है अब होने वाला आगे जाके तो देखिए मंजूर हंस रहा है यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कम अल्लाह अल्ल पे थोड़ा बस बाकी अल्लाह ताल वो ते कि मिसाल के तौर तो पर नुकसान हो यह खुदा सुंदरी अगर बहन अगर बह था ये दागा ग्र्रस्ट्रेट बहुच ते हु खर्च यहां खर्चे योचा यू यून मे थोमान्क चीज दिजनस ना बिजन यह रनिंग पोस बस यह पाफिट वेचक लॉस व ना क्या मे गई वहीं यू टाइम ये चीज रिलेटेड पान कर मिशाल एम काम मैं कह तथा मज वा तथ लीखित अस इकनिक द मोर यू हैव द मोर यू वांट गो सोद मतलब कि यू जी तूा ज्यादा चीज़ क्या तूा ज्यादा चीज़ जरूरी

पठक कस पानी बिलू कलर ये गो सो अन्दे ब्रीरस यह लकुट ला आम वज ब्रीड क्या चुन दु जबरदस्त है ना से बहुत अच्छा दे मे इज आज तम आज रीसेंटली अनिम तुवा चौदह अक्स जा ब्रीर मतलब सो मिनो फुल ना तम आ सारे लये अच यह बोल बब चुहाल मिसाल के तौर तो पर ब्रीडर ना, वो ब्रीडर तक वह ये यहाँ असल कुछ लोग पहले मुझे बोल रहे थे कि जो है वो भेड़ों को तभी छोड़ो आप जब पहले जो है वो ए वैक्सीन जो है वो जरूरी है हाँ ज़रूरी है ई वैक्सीन लेकिन आ, ये भी मैं बताऊं कि उससे जो है अगर मैं बेडों को छोड़ूंगा फिर ई वैक्सीन जो है वो करूंगा उससे कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन आ, जो है वो आ, मैं इस बात को भी जुटलाऊँगा नहीं कि पहले ई वैक्सीन करो फिर छोड़ो ये भी सही है लेकिन मैं इस बात से भी जो है वो एग्री नहीं करूँगा कि आ, अगर मैं बेड छोड़ूंगा तो उसके बाद ई वैक्सीन करूँगा तो ये ठीक नहीं रहेंगे बस ये मिथ है एक मिथ है समझो बात को अभी मैं जैसे मैं हमेशा बोल रहा हूं कि वे काल मज मतलब यूथ वो सू यूथ वोत्मु जो ना अभी पढ़े लिखे हैं अल्लाह की कसम पीएचडी स्कॉलर जो है ना वो इस बिज़नेस में जो है वो अभी आ चुके हैं तो उनको पता है क्या करना है कैसे करना करो जो भी वो मिथ है ना मिथ तम सारे पटरवन जो सारे खत बड़ मिथ क्या शिक थी मालस लगे नजर फार्मस लगे नजर फार्मस मज अगर कानून यह लगे नजर सही है नजर छा अस एग्री कर नजर छा मगर तवकल तु आप और फिर तवकल पे जो है वो नजर जो नजर कुछ नहीं करेगी अगर तुम अल्लाह ताल तवकल आजर कर तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से कैसे जो है वो हम जो है वो मैन निकालते हैं सोचालत मनी तौर

मोहसिन तो ये नेबर है मेरा और ये भी एक शीप फार्मर है तो अभी जो है वो आप देख सकते हो इसकी एज जो होगी वो मेरे हिसाब से सेवनटीन है सत्रह साल का लड़का है और इसके पास जो है वो अभी फिफ्टी प्लस शीप है जिसमें दस पंद्रह इसके पोल मैरिनो है जब ये कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते आप देखिए ये नाइन्थ क्लास का नाइन्थ है नाइन्थ क्लास में पढ़ता है और ख़ुद का अभी फॉर्म चला रहा है तो इससे जो है वो अगर मोटिवेट नहीं हुए तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप फिर इस दुनिया में रहने के लायक फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप लोग जो है वो मेरे ब्लॉग्स uh, को मेरे वीडियोज़ को बहुत अच्छा जो है वो रेस्पॉन्स दे रहे हो और बहुत अच्छा जो है वो फीडबैक दे रहे हो आप थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस को जो है वो आप लोग जो है वो इतना प्यार दे रहे हो बस मैं वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बनाता हूँ क्योंकि uh, मैं चाहता हूँ भाई जो भी Uh, कोई भाई बिज़नेस करे चाहे शी फार्मिंग करे चाहे कोई भी बिज़नेस करे तो सबसे पहले क्या है सबसे पहले भाई प्लानिंग जरूरी है किसी भी बिज़नेस में जो है वो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है प्लानिंग करे और जो है वो फिर जो है वो इन अगर आप अच्छा प्लान करोगे तो बिजनेस जो है वो आप अच्छे से जो है हैंडल करोगे और कुछ टाइम जो है वो थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि एक दो साल जो है वो आपकी जो सोच है जैसे मैं पहले साल से ही प्रॉफिट कमाऊंगा वैसा नहीं होता आपको पहले एक दो साल जो है वो इन्वेस्ट करना ही करना है अपने जेब से तो बस ऐसा ही रहता है सिस्टम और मैं आ, ये वीडियो जो है वो बनाता हूँ शीप व्लॉगिंग इसलिए बनाता हूँ क्योंकि बहुत सारे जो है वो शीप फार्मर्स है कश्मीर में और मैं भी शौक रखता हूँ मैं भी नेचर के साथ मतलब अटैच हूँ और मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ के लिए जो है वो इसी चीज़ के लिए जो है वो रिलेटेड रे, इस कोई मतलब कंटेंट बनाएं तो मैं शी ब्लॉगिंग करता था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया क्योंकि मॉरल होना चाहिए वीडियोज़ का तो मेरे वीडियोज़ का अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो बस यही आज के ब्लॉग को जो है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं उम्मीद है कि आपको आज का ब्लॉग जो है वो पसंद आया हो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें भाई ये वीडियो जो है वो हर किसी तक जो है वो पहुंचाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे भाई जो है वो अभी ना महरूम है फार्मिंग के बारे में मतलब तिन चाहान मतलब तिन जाना ऑलरेडी स्कैम गुत तुम बिचारों पाई तो बस ऐसे ही जो है वो सबसे जो है वीडियो शेयर करें तो आज को यही पे खत्म करते हैं इसी दुआ के साथ के अल्लाह ताली हम सबको अपने हिप जो हमान में रखे तो वैसे ऋषि को दीजिए इजाजत अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा मुझे दुआ में रखेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बोलेगा फी अमिल्ल